तो आइए आरंभ करते हैं एक और ब्लॉग में। और ये ब्लॉग वापस से मैं ले चलता हूँ आपके डैम वाले रीजन में। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे खरपतवार और ये झाड़ की तरह है। तो मैं बता दूं कि ये जो जगह है ये डैम के पास का है। डैम में पानी बिल्कुल भी नहीं है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये सीमेंटेड पिच की तरह है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में कहा भी था कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट का मैदान हो। तो आज ये मैदान ही है और कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और ये आप देख रहे हैं ये पूरा फ्लैट पिच, ये डैम में बिल्कुल भी पानी नहीं है और बिल्कुल सपाट है आप देख रहे होंगे। और ये मैं कैमरे को रोटेट करके 360 में आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे का जो पोर्शन है ये जो जा रहा है ये इंद्रपुरी डैम की तरफ, और ये कैमरे को मैंने रोटेट किया पूरा डैम खाली है। और ये जो एरिया है पीछे इंद्रपुरी की साइड में जाएगा, कच्चा रास्ता है ये और इसके पैरेलल में है रोड, लेकिन मैं इस कच्चे वाले साइड में आया हूँ, मिट्टी का रास्ता है ये। और ये आप देख रहे हैं कि झाड़ियों से होते हुए मैं कवर कर रहा हूँ ब्लॉक्स को, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं झाड़ियों के बीच से घुस के जा रहा हूँ। तो ये कवर कर रहा हूँ इस तरीके से ताकि दोनों साइड का प्रॉपर आपको साफ साफ यहाँ से दिख रहा होगा। तो कि कुछ लोग वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राउंड नहीं है ये, है जो है डैम से देखे तो सीमेंटेड पिच है, बारिश नहीं हो रही है और ये सीमेंटेड का है। और जो इंद्रपुरी डैम है वहाँ से क्या है कि दिख रहा होगा कि पानी बिल्कुल नहीं है, इसलिए जो डेहरी के पास वाला डैम है यहाँ जरा भी पानी नहीं है। और ये दूर से ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये क्रिकेट का ग्राउंड हो, तो मैं चीजों को नजदीक से दिखा रहा हूँ। और ये देख रहे हैं आप साफ साफ, इस पे पता चल रहा है कि लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठंड का मौसम है, धूप ले रहे हैं। और बीच बीच में मैं शूट कर रहा हूँ, ये झाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं नज़दीक से सोच रहा हूँ ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को दिखाने का। तो झाड़ियाँ भी आएंगी और ये थोड़ा सा इधर का जो एरिया है ये थोड़ा गाँव टाइप का एरिया है, मैं डेहरी से बाहर में हूँ। ये देखिए मेरे, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटा सा टनल, जिसको बोल सकते हैं कि डैम के बगल में एक छोटी सी नहर है। और जो व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है वो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसका नाम है जगजीवन कॉलेज। और मैं पूरा पोर्शन तो नहीं दिखा सकता, वो पूरा अंदर बड़ा कैंपस है। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये सीधा डेहरी सिटी को जाता है, कनेक्ट करता है। तो हम अभी इस कच्चे सड़क वाले पे आए हैं जो कि इंद्रपुरी की तरफ जाता है, इंद्रपुरी डैम की तरफ। और मैं जान करके इस रूट में आया हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गांव टाइप का, जितना आप आगे चले जाइएगा गांव टाइप का आपको फीलिंग आएगा। तो इधर थोड़ा शूट करने में, कवर करने में, ब्लॉग बनाने में अच्छा लगता है, थोड़ा विलेज टाइप फीलिंग आता है, नेचुरल होता है, इधर नेचुरल वेजिटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए मैं कैमरे को 360 में रोटेट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सोन की तरह, रेगिस्तान की तरह आपको दिख रहा होगा, लग ही नहीं रहा कि ये डैम है। इस सीमेंटेड पिच दूर से ऐसे धूप में चमक रहा है जैसे लग रहा है रेत है। तो मैं नज़दीक से कवर कर रहा हूँ और देख बने रहिए ब्लॉग में। और जिन्होंने पिछले दो ब्लॉग नहीं देखे हैं वो जा करके दोनों ब्लॉग देख ले। और दोनों ब्लॉग मैंने डैम के पास का ही शूट किया है। और एक ब्लॉग और है जिसमें मैं हाइड्रो पावर प्लांट जो यहाँ पे है, बिजली घर जो यहाँ पे छोटा सा एक टर्मिनल है हाइड्रो पावर प्लांट का, जहाँ से सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को रेगुलेट किया जाता है, उसका भी मैं ब्लॉग डालूंगा। तो चलिए अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में हम बात कर लेते हैं। ये जो सड़क जा रही है एक कच्ची सड़क है मिट्टी की, जो डेहरी सिटी को कनेक्ट करेगी। अभी फ़िलहाल मैं डैम की तरफ कैमरा करके फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए आपको क्लियर वे में दिख रहा होगा कि लोग पीछे क्रिकेट खेल रहे थे, और ये नज़दीक से पोर्शन में दिखा रहा हूँ डैम के पास का। उस वक्त पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बहुत पास से कवर कर रहा था, लेकिन अभी आपको दूर से दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली मैं देख कैसा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिकेट का मैदान हो। और ये देखिए साइड में कॉलोनीज है, जो पहले कॉलोनीज मगर बहुत पहले इतना भी नहीं था, एकदम बहुत लेस पॉपुलेटेड था और इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स इस साइड नहीं थे क्योंकि ये डेहरी से आउटर एरिया है। तो अब फिलहाल इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि अब डेहरी के आउटर रीजन में भी काफ़ी बड़े बड़े आपको कॉलोनीज दिखेंगे या घर मकान। ये देखिए पीछे का पोर्शन है जो सीधा आपको इंद्रपुरी डैम तक ले जाएगा, और ये कच्ची सड़क चली जाती है। आगे हो सकता है कंस्ट्रक्टेड हो, मुझे नहीं पता, फिलहाल मैं अभी उतना आगे जा करके मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। और आपको अब मैं और थोड़ा आगे ले चल करके दिखाऊंगा जो डैम्स, ताकि क्लियर वे में डैम का दिखे आपको पोर्शन। ये देखिए मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, थोड़ा इधर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं इसलिए मुझे शूट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। ये बाइक्स वगैरह लगी हुई हैं, जो नीचे प्लेयर्स खिलाड़ी जो खेल रहे हैं ये उनके बाइक्स हैं। तो चलिए ब्लॉग में आगे आपको दिखाते हैं। जो सामने जो बड़ी सी पेड़ दिख रही है, यहाँ पे रास्ता ख़त्म होता है और यहाँ से दो रास्ता जाता है डेहरी को कनेक्ट करता है, एक रमा रानी उच्च विद्यालय और दूसरा रास्ता जो जाता है वो एनी कट के साइड में जाता है जो कनेक्ट करता है डेहरी को। चलिए मैं डैम के थोड़ा और नज़दीक आ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए उस दिन मैंने पास से शूट किया था, ये देखिए दूर से प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा है पूरा का पूरा एरिया, ऐसा लग रहा है जैसे रेत का पोर्शन हो, रेत की तरह चमक रहा है ये।
लेकिन ये सीमेंटेड पिच है, ठीक है, और डैम में पानी होने की वजह से बहुत ज़्यादा चमक रहा है। धूप में ऐसा लग रहा है जैसे लाल मिट्टी का मैदान हो क्रिकेट का या फुटबॉल का। ये बैक पोर्शन है जिधर इंद्रपुरी डैम के लिए हम जाते हैं, और ये मैंने कैमरा रोटेट करके जगजीवन कॉलेज की साइड में दिखा दिया, और इधर जो कॉलोनी है और ये कच्ची सड़क है जो आगे को कनेक्ट हो रही है। तो चलिए हम इस ब्लॉग में आगे आपको जो ब्लू कलर का जो एक छोटा सा ब्रिज टाइप से दिख रहा है, यस, इस ब्रिज को हम डैम के जो चैनल्स है 7 चैनल उनको कंट्रोल करने के लिए, जो शटर से उनको अप एंड डाउन करने के लिए ताकि पानी को रेगुलेट कर सके, जो बड़ा वाला नहर है उसमें पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए इन चैनल्स को हमने बना रखा है। तो ये देखिए, ये एकदम पास का पोर्सन है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ डैम के जस्ट नीचे, तो देख रहे हैं पीछे। और ये देखिए, ये दूसरे साइड का जो छोटा वाला नहर था ये उसका कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है जो ब्लू कलर का ये, तो अभी इस पे हम चढ़ रहे हैं और इस पे दिखाएं कि जो छोटा वाला जो नहर है जो उसके पैरेलल साइड में है उसमें कितना पानी है। इसमें भी पानी हरा दिख रहा होगा आपको, इसका मतलब ये है कि जो पानी का रेगुलेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, जमा हुआ पानी है बहुत दिन का, ठीक है, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। और ये देखिए कुछ दूर तक ये जाता है दूसरे एंड तक क्रॉस करने के लिए, यहाँ भी वाटर को रेगुलेट किया जाता है इन टनल्स, मतलब इस मशीन के थ्रू, इसको जो व्हील की तरह आपको दिख रहा होगा इसको घुमा करके लोग कंट्रोल करते हैं। अभी मैं कैमरे को रोटेट करूंगा, ये देखिए ये है बड़ा वाला नहर जो डैम से कनेक्टेड है और डैम का पानी इसमें फ्लो करता है और वहाँ से कंट्रोल होता है जो चैनल्स थे। और ये जो ऑटोमोबाइल्स का ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये जा रहा है सीधे दूसरे साइड में BMP एनीकट साइड में। और ये जो पीछे का पोर्शन है ये नहर का पोर्शन है, छोटे वाला नहर का पोर्शन है, और ये साइड में आपको जो मकान दिख रहे हैं ये कॉलोनी है बसी हुई जिधर थोड़ा, हाँ ये है कॉलोनी। और इधर आपको जो लकड़े के ये प्लाईवुड के दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लाईवुड का इधर मार्केट है, टिम्बर सांगवान बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह आपको फट्टे वगैरह मिल सकते हैं। तो ये देखिए डहरी से एक्चुअली ये बाहर का पोर्शन है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर मैं बोल सकता हूँ बाहर का पोर्शन है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डैम एरिया है इधर, लकड़ी का बहुत बड़ा मार्केट है, इधर नहर भी।